सम्मान निधि से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बजट में किसानों की सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी, ये बहुत बड़ी खबर है। किसानों को लेकर मोदी सरकार का फोकस हर बजट में दिखा है और इस बार भी दिख सकता है। 6000 की जगह 8000 सालाना उनको किसान निधि मिल सकती है, 2000 की 4 किस्तों में। और अभी आनी है उसमें 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा हो सकता है। बजट में किसान सम्मान निधि का बढ़ना यानी किसानों को ज्यादा पैसा देना, किसानों की आमदनी बढ़ाने का। क्या आपने सुना कि पीएम मोदी ने ऑफिशियल घोषणा कर दिया है कि अब जो है इसकी राशि बढ़ा दी गई है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दीपावली का तोहफा किसानों को भी मिलना शुरू हो चुका है। आज सुबह 11 बजे से पीएम मोदी लाइव संबोधित करते हुए किसानों के बैंक खाते में यह राशि भेजना शुरू कर दिया है। अगर आप किसान है, आपके बैंक खाते में यह राशि नहीं आई है, तो हो जाए तैयार। किसानों को अब तोहफा मिलेगा, दीपावली का बोनस मिलेगा, दीपावली का गिफ्ट मिलेगा, दीपावली की खुशहाली मिलेगी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। इसी दिन का किसान काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यार किसानों को तो सिर्फ 2000 रुपए ही पीएम मोदी के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। जो पीएम मोदी ने घोषणा किया, तो जो पीएम मोदी ने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है, वो गारंटी है पूरा होने जा रही है। किसानों के बैंक खाते में 4000 रुपए की 19वीं किस्त आज सीधे किसानों के बैंक खाते में मिलने जा रहा है। खाद बीज के लिए भी 5000 रुपए अलग से मिलेगी, घबराइएगा नहीं। इसी वीडियो में आपको सारा राशि मिलने वाला है। पीएम मोदी का कुछ ही देर में पीएम मोदी का लाइव संबोधन भी शुरू होने वाला है, कहीं भी मत जाइएगा। किसानों को अब तोहफा मिलने में कुछ ही देर बाकी रह गया है, किसानों को यह राशि मिलना शुरू हो जाएगा। और जिसका इंतजार किसान काफी बेसब्री से कर रहे थे, वो दिन अब शुरू होने वाला है। दीपावली मनाने के लिए किसानों को अब 4000 रुपए पीएम मोदी की जो है दे रहे हैं। जो किसानों का इस बार फसल बर्बाद हुआ है, वो भरपाई करने का समय आ गया है। साथ में यहाँ पे 4000 रुपए सही नहीं पीएम मोदी मानने वाले हैं, खाद बीज के लिए भी 5000 रुपए की राशि आपके बैंक खाते में अलग से भेजने वाले।